क्योंकि आप में से बहुत सारी बच्चे ये गलती करते हैं कि दोनों ही आपका बेस बनाती है फाउंडेशन बनाती है फॉर योर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी मैं सेशन ले रही हूँ तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उसे जरूर देखा करो अगर आपको डाउट्स आते हैं कोई डिफिकल्टी होती है देन यू शुड आस्क फॉर द हेल्प जो कि आप नहीं करते हो बहुत सारे आप में से बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो अपने डाउट्स को केटर नहीं करते और वही पाइल अप होकर के सब गड़बड़ कर देते हैं चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भाई ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले हैं अच्छा पढ़ने से मार्क्स आएंगे जो भी पढ़ रहे हो इतना सॉलिड पढ़ो ना कि जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाए तुम्हारे Tells, कैसे हो आप सब? I hope सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुशबूमा बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु तो भाई आपके स्कूल अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाले होंगे और ये सारे वो आपके हैक्स हैं जो एक्चुअली मैं आपके क्लास नाइन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो टॉपर बच्चे जो बहुत ही अवेयर रहते हैं जिनको लगता है हाँ भाई नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारी बच्चे ये गलती करते हैं कि क्या क्लास नाइन्थ इतनी इंपॉर्टेंट है तो लेट मी टेल यू भाई क्लास नाइन्थ सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ये क्लास नाइन्थ आपका क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों ही आपका बेस बनाती है फाउंडेशन बनाती है फॉर योर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ

यही रीजन है आपके इतने सारे डाउट्स आते हैं जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फिर भी एंड अगर आपको डाउट्स आते हैं कोई डिफिकल्टी होती है देन यू शुड आस्क फॉर द हेल्प जो कि आप नहीं करते हो बहुत सारे आप में से बच्चे इतने शाये होते हैं कि वो अपने डाउट्स को केटर नहीं करते और वही पाइलअप होकर के सब गड़बड़ कर देते हैं ट्रेंड चल गया है पढ़ाई करने का किसी ने नहीं सोचा होगा जो हम पहले के टाइम पे सच में करते थे भाई मेरे टाइम पे अगर मुझे डाउट्स होता था या तो मैं टीचर से थी, या तो मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जाकर के उस डाउट को सॉल्व जरूर करती थी और यही एक चीज मैं डेली करती थी जिसकी वजह से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चन को देखो भाई चैप्टर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है लेकिन जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आपको सच में वो चैप्टर समझ में आया है कि नहीं समझ है। समझ में में क्योंकि चैप्टर ही नहीं आया होगा तो भाई पढ़ोगे क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अल्टीमेटली एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस को जो भी टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ करके आ रहे हो हाँ भाई आप क्या क्या चीजें फॉलो अप कर सकते हो जो आगे चल के टेंथ में भी और आगे अपने फर्दर स्टूडेंट लाइफ में आपको जरूर हेल्प करेंगी दैट इज द टाइम मैनेजमेंट भाई पेपर लेंदी आता है आप सबको पता है आपके पास तीन घंटे होते हैं बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी स्पीड लिखने की इतनी स्लो होती होगी ना कि उनका पेपर छूट सकता है आई कैन गारंटी यू आपने अभी तक अपने नाइन्थ के एग्जाम्स दिए नहीं है ना जो फाइनल मेन एग्जाम्स होंगे तब आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट का ये कीड़ा ज़्यादा जरूरी है इसीलिए अभी से आपको ये चीज़ बता रही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो टाइम देख करके कि भाई ये क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है तो भाई 10 मिनट में ही कर रहे हो ये नहीं कि एक दिन पूरा लगा दिया चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भाई ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले हैं अच्छा पढ़ने से मार्क्स आएंगे जो भी पढ़ रहे हो इतना सॉलिड पढ़ो ना कि जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाए तुम्हारे है ना और अपना सराउंडिंग एनवायरमेंट जरा थोड़ा केयरफुली चूज करना आप में से बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं ये जनरली होता है आजकल के टाइम पे जिन जिनसे आपको दूर रहना है क्योंकि यू आर मच मोर कैपेबल देन यू आर डूइंग एनीथिंग राइट नाउ जो भी आप अभी कर रहे हो ना उससे आप ज्यादा कैपेबल हो करने का तो कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना ठीक है एंड अपने नोट को जरूर इंप्रूव करते रहना जब भी आपका नोट सेशन लू मैं वन शॉट करवाऊं तो मेरे साथ साथ नोट्स बना लिया करो या फिर चीजों को समझने के बाद मेरा सेशन एक बार वापस से देख करके नोट्स क्रिएट करा करो लेकिन किया जरूर करो यही नोट्स आपके यूनिट टेस्ट में आपके मिड टर्म्स के एग्जाम में एग्जाम में आपको रिविजन करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और भाई डोंट अटेम्प्ट टू लर्न टू मैनी थिंग्स एट द वंस इतना मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है तुम वो चतुर की तरह मल्टी टास्कर नहीं हो तो ज्यादा वो वो प्रोफेसर जो थे ना हमारे उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करो कि दोनों हाथ से लिख रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर sure करना कि एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करके करो लेकिन ठीक से करो तो बस ऐसी ही चीजों में आपकी मदद करने के लिए वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है फ्री रिसोर्सेस जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसमें एक लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आपके मैथ्स इंग्लिश एसएसटी साइंस सबके अवेलेबल हैं नोट्स जो हमारे खुद के हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं वो सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट बस इस एक लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मुझे रीच आउट करना है तो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना ये मेरा अकाउंट है और जाते जाते मैम के सेशन को जरा लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपको यहीं पे मिलने वाले हैं अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो बाय गाइस एंड टेक केयर